यूपी की योगी सरकार भले ही गरीबों की मदद और उनके साथ खड़े रहने के तमाम दावे करे, लेकिन यूपी सरकार के कुछ अधिकारी सरकार की नीतियों को ठेंगा दिखा रहे हैं और जमकर गरीबों के हक पर डाका डाल रहे हैं। ताजा मामला यूपी के संभल से सामने आया है, जहां राशन डीलर के खिलाफ मोहल्ले की महिलाओं ने थाने में सूचना देकर काला बाजारी का आरोप लगाया है। तेल पकड़ा गया है, इसमें तुम्हारी क्या शिकायत है, क्यों थाने आई हो तुम? हम नो आया तो हमें कुछ सूचना मिली, तब उनकी हम भी देखे तो यहाँ आकर देखा तो बात समझ नहीं। फिर हम जो अपने कार्टों की कह रहे हैं कि हमारे कार्टों पर ना दिया तेल और यहाँ पकड़ गया। कितना तेल देता है तुम्हारे लिए, क्यों नहीं देता तेल? एक लीटर दे कर आया उसे, वो भी ना देते। कब तक तेल नहीं मिला आपको? कब तक नहीं मिला आपको तेल? अब तो कई महीना होगा, पहले दे दे कर आओ, एक लीटर मेरे कारण से दे आओ। अच्छा, तुमसे बदतमीजी भी करता है? बदतमीजी भी करता है? बदतमीजी मुझसे कही तो मैंने भी कही। क्या कहा था मुझसे? जो कही मैं बोली, मैंने की बाबूजी हमें राशन थोड़ा देते, हमारा कार्ड तो आपके पास का है और आपने जरा कैसे हमारा नाम काट दिया। फिर मुझसे बोला वो डॉक्टर, इसका भैया विजयपाल का। विजयपाल कौन है? विजयपाल डीलर। अच्छा, क्या बोला? मुझसे बोला कि तेरी जगह कोई लौंडा होता नहीं तो साले को गिराकर मुंह में पेशाब कर देता। क्यों? तो मैंने देखा क्यों कर राशन लेने जावे हैं, कारण पर राशन नहीं है। वो राशन नहीं देता क्या तुम्हारे लिए? राशन तो फिर बहुत बाद में लगा मुझे। आज आप थाने आई हो तेल की सूचना पर, क्या बात है, क्या मामला है पूरा? तेल तो हमने ये देखा है, देखो जो बात होगी वही बताएंगे। अच्छा, क्या मामला है पूरा? और हमें बुलाया है तो आए हैं यहाँ पर, तेल के बारे में हमें राशन नहीं मिलता। आपको राशन आपको राशन कैसे मिलता? ललकारी दुकान से मिला हमें, वैसे तेल देते ही ना नाच देवे, छह मिनट पे हमें वो 10 किलो 5 किलो बढ़ावे। कितना राशन मिलता है? 10 किलो मिला। तेल किस हिसाब से मिलता है? वो 1 लीटर मिला हर महीने के, महीने के साथ महीना महीना ना मिलता तो 4-5 महीना से मिला ही ना है। तुम्हारी क्या शिकायत है? अब देखिए तो हमें कुछ मिलता ही ना, हमारा और दूसरा कार्ड बना के दो, हमारा तब मिलेगा पूरा। जरा गौर से सुनिए सूबे के मुजुर ए आला, ये आपका ही उत्तर प्रदेश है, वही उत्तर प्रदेश जिसे आप भ्रष्टाचार मुक्त उत्तम प्रदेश बनाने की बात करते थे, जिस उत्तर प्रदेश में आप महिलाओं की बेहतरी और उन्हें सम्मान से जीने की बात करते थे, ये तस्वीर उसी प्रदेश की है। वहीं जब इस मामले में राशन सप्लाई इंस्पेक्टर दीपक श्रीवास्तव से बात की गई तो उन्होंने भी जाँच पूरी होने के बाद कार्यवाही करने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। अभी ये सूचना मिली कि हयात नगर के पास थाने पे जो है पुलिस वालों ने जो है एक ई रिक्शा को, जिसमें कि 2 केन रखा हुआ था, उसको रखा गया है, जो कि मोहल्ले वासियों द्वारा जो है पकड़ा गया है और उसको थाने पे ले आया गया है। मामले की आगे की कार्रवाई अब जांच पड़ताल के बाद ही आगे की कार्रवाई बताई जा सकेगी। सर, कितना तेल जानकारी मिल रहा है? जानकारी में अगर ये दोनों कैने भरी हुई हैं तो लगभग 100 लीटर के करीब मिट्टी का तेल। किसका माल बताया जा रहा? मोहल्ले वाले द्वारा बताया जा रहा है कि ये विजयपाल गुप्ता सरकारी राशन विक्रेता। मोहल्ले वालों का आरोप है, ये जो राशन डीलर है वहाँ का, वो सालों सालों से तेल ही नहीं बांटता और इस तरह से ब्लैक में पकड़ा जा रहा है, ये अलग अलग कहाँ जा रहा है? इसकी तो जाँच पड़ताल ही हो सकती है, अब इसकी जाँच पड़ताल होने ही जा रही है, अब उसका स्टॉक चेक वगैरह होगा और उसके बाद ही कुछ आगे कार्रवाई बताई जा सकेगी। आपको बता दें कि महिलाओं का आरोप है कि विजयपाल नाम का राशन डीलर महिलाओं का ना तो समय से राशन देता है और ना ही उनको केरोसिन तेल देता है, उनसे बदसलूकी भी करता है। फिलहाल मामले की जानकारी मिलने के बाद सप्लाई इंस्पेक्टर ने जांच की बात कही है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि आरोपी राशन डीलर के खिलाफ कार्यवाही होती है या नहीं। न्यूज एक्सप्रेस की रिपोर्ट।